बच्चों, हम गर्मियों के मौसम में ये महसूस करते हैं कि दिन जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं या बहुत देर से व्यतीत हो रहा है, या हमको ये लगता है, हमें ये महसूस हो रहा है कि घड़ी की सुई जो है वो बहुत धीमे धीमे चल रही है। वहीं जब ठंड के दिन होते हैं तो हमको ये लगता है मानो घड़ी की सुई जो है वो बहुत स्पीड से भाग रही है, या मैं ये कहूँ कि दिन जो है वो बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है। तो क्या हमको जो ये महसूस होता है ऐसा ही है? और दूसरी चीज़, हम ये भी देखते हैं कि एक ही समय में, एक मौसम में, एक दिन में जब हमारे भारत में लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, हमें बहुत तेज़ गर्मी महसूस हो रही है, और इसी समय पे हम ये देखते हैं कि जो उच्च अक्षांश में स्थित देश हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो ऐसा क्यों? आइए आज हम इसी अंतर के कारण को समझते हैं कि हमें ये ऐसा महसूस क्यों होता है, क्या तापमान में हमें ये भिन्नता क्यों देखने को मिल रही है। इन सब के पीछे कारण होता है सूर्य। बच्चों, हम सभी जान रहे हैं कि चाहे हमारी पृथ्वी है या वायुमंडल, इसमें इसका एकमात्र जो स्रोत है ऊर्जा का, जिससे हमें ताप मिल रहा है, ताप है तो ऊर्जा मिल रही है, इसका एकमात्र स्रोत हमारा सूर्य ही है जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। सूर्य, या हम जब सौर विकिरण की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि सौर विकिरण कैसे हम तक आ रहा है, या सूर्य में इतनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। हम सभी को पता है कि सूर्य जो है वो एकदम आग का तप्त धधकता हुआ गोला है, जिसमें बहुत सारी गर्मी इकट्ठी है। ये गर्मी कैसे उत्पन्न होती है, आइए तो अब हम जानते हैं सौर विकिरण के विषय में। सौर विकिरण, सूर्य से जो ऊर्जा हम तक पहुंच रही है उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। अब सूर्य में ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, आइए देखते हैं। सूर्य की सतह पर उसके केंद्र में लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, और इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य में जो उपस्थित हाइड्रोजन गैस है उसका हीलियम में वो परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण लगातार बहुत उच्च ताप के रूप में ऊर्जा सूर्य से लगातार निकलती रहती है। अब हम ये देखते हैं कि यही ऊर्जा जो सूर्य के केंद्र से निकल रही है वो इसके बाहरी छोर पर या बाहरी आवरण पर आती है, जो फोटॉन के रूप में होती है, और इस फोटॉन के ही कारण हम इसकी बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। जैसे ही हम फोटोस्फीयर के बाहर, इस बाहरी सतह पर आते हैं या बाहरी आवरण पर आ रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं इसके चारों ओर क्रोमोस्फीयर की स्थिति है, और क्रोमोस्फीयर के जैसे ही हम और बाहर आते हैं तो ये हमको कोरोना दिखाई दे रहा है। कोरोना जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, मतलब जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य की सतह का यही सबसे बाहरी आवरण कोरोना जो है नज़र आता है। ये तो हो गई सूर्य से ऊर्जा के उत्पन्न होने की प्रक्रिया। ये ऊर्जा जो है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस ताप इसका होता है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का। अब सूर्य से जो ऊर्जा हम तक आ रही है वो लघु तरंगों के रूप में होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे सूर्य से निकलती हैं और यही लघु तरंगों के माध्यम से हमारे वायुमंडल या पृथ्वी तक पहुँचती हैं। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन, या सूर्य से जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है उसकी एक मात्रा होती है, लगभग 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर हर मिनट पे। तो ये जो हर मिनट हमें 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है सूर्य की, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा से, इसकी मात्रा थोड़ी बहुत जो है वो परिवर्तनशील होती है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो ये किन कारणों से? ये दो स्थितियां होती हैं जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और इस अपने अक्ष पर घूमती हुई ही ये सूर्य के चारों ओर भी घूमती है या उसकी परिक्रमा करती है। और हम देख रहे हैं कि इस परिक्रमा के दौरान कभी वो सूर्य से पास आ जाती है और कभी वो सूर्य से दूर हो जाती है। जब वो सूर्य से सबसे पास
होती है, सबसे पास की जो स्थिति होती है, तो इसे हम उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। और इस दौरान इसकी दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.70 लाख किलोमीटर होती है। और दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं अपसौर की या अपहेलियन। इस स्थिति में हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है। इस अपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.20 लाख किलोमीटर होती है। अब हमने ये देख लिया अपसौर और उपसौर की स्थिति में जो सौर स्थिरांक की मात्रा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सूर्यतप की मात्रा है उसमें अलग अलग हमको वेरिएशन मिलते हैं, भिन्नता मिलती है। मतलब एक ही स्थान पर कहीं पर हमको सूर्यतप या सूर्य के ताप की मात्रा अधिक मिल रही है और वहीं दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि ये ताप की मात्रा कम हो जाती है। तो ये कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करते हैं जिससे हमको इसमें भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है। तो ये 6 कारक हमको दिखाई दे रहे हैं जो सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसमें हम पहला देखते हैं सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करने वाले में पृथ्वी की अक्षीय गति। पृथ्वी की अक्षीय गति, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है लगातार। हम सभी को पता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही तो दिन और रात की घटना जो है वो घटित होती है। अच्छा, आपने कभी ये देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त, ये दोनों ही स्थितियों में आकाश का रंग हमको लगभग लाल पीला दिखता है और दोपहर के समय आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। तो ये किस कारण से होता है? ये इसके पीछे ये कारण है कि सूर्य से जो तरंगे निकलती है उसमें जो ब्लू तरंग है, ब्लू तरंग दैर्ध्य या नीला जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हम देख रहे हैं कि जब सूर्योदय होने वाला है तो वहाँ पर सूर्य की किरण जो है वो तिरछी पड़ रही है। और दूसरे ही स्थिति में हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, या मैं ये कहूँ कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर और घूमती हुई सूर्य के सामने आ जा रही है तो वहाँ पर दोपहर हो जा रहा है। तो जब सूर्योदय की स्थिति है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें वहाँ पर जो कोण बना रही हैं वो तिरछी हैं, तिरछा पड़ रहा है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश उस स्थान तक पहुँचने में उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जो कि ब्लू कलर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वहीं जो रेड और येलो तरंग दैर्ध्य हैं वो लंबी दूरी तय करके हमारे वायुमंडल और पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। इसी कारण से जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से मिलने वाले प्रकाश में तिरछापन होता है तो हमें आकाश का रंग या सूर्य का जो कलर है वो लाल पीला नज़र आता है। लेकिन वहीं जब दोपहर का समय होता है, जबकि हमारी पृथ्वी पर लगभग 90 डिग्री का एंगल सूर्य बना रही होती है, तो मतलब कि सूर्य के किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ रही है। हम देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो इस समय पे ब्लू या नीला तरंग दैर्ध्य जो है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पा रहा है और इसीलिए हमें दोपहर के समय में आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। अब जब वो 90 डिग्री का कोण बना रही है तो हम देखेंगे कि ताप की मात्रा अधिक होगी, और जब वो तिरछी पड़ रही है लगभग 45 डिग्री या 27 या 20 डिग्री का कोण बना रही है तो उस समय सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण हमें सूर्य का ताप या सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में मिल रहा है। तो हमने देखा कि एक दिन में भी सूर्यतप की मात्रा में हमको भिन्नता देखने को मिल रही है, ये कम और ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कारक जिसमें हम देख रहे हैं दिन की अवधि। दिन की अवधि मतलब दिन का समय। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है,
तो दिन बड़े होते हैं, और जब शीत ऋतु या ठंड का मौसम होता है तो दिन का समय जो छोटा होता है। वो क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में सूर्योदय जो है वो लगभग 5 से 5:15 के बीच सूर्य निकल आता है, और सूर्यास्त का जो समय है वो लगभग 6 से 6:15 बजे के करीब होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें इस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 13 से 13.5 घंटे तक मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश मिल रहा है मतलब उसकी ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, मतलब ज़्यादा ताप है, टेम्परेचर अधिक है। लेकिन वहीं दूसरे ही पल हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ शीत ऋतु है, ठंड का मौसम है, तो सूर्योदय जो है वो हमारे यहाँ लगभग 6 से 6:15 बजे के करीब, या कभी कभी जब दिन और छोटे होते जाते हैं तो सूर्योदय का समय लगभग 6:30 बजे तक होता है, और वहीं सूर्यास्त जो है वो शाम के 5 बजे तक हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि सूर्य से मिलने वाले प्रकाश की अवधि लगभग 12 से 12.5 घंटे तक हो गई। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों ही समय में सूर्य के प्रकाश के मिलने का जो समय है उसमें लगभग 1 से 2 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है। तो जब हमें सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा, दिन की अवधि दिन बड़े होंगे तो हमें सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा, और जब दिन की अवधि छोटी होगी, दिन छोटे होंगे, तो हमें सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। हम ये देखते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सूर्य की यात्रा जो होती है वो लगभग कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होती है, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमको लंबवत दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं जब उत्तरायण की स्थिति है तो हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि तब सूर्य की किरणें हम तक लंबवत आ रही हैं, और हमारे यहाँ दिन बड़े होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है वो दिन छोटे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब दक्षिणी गोलार्ध में या लगभग भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है वो लंबवत चमक रहा है, तो अब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय होगा और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय, मतलब तब ग्रीष्म ऋतु होने से यहाँ पर दिन की अवधि अधिक होगी और हमारे यहाँ दिन की अवधि छोटी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिन की अवधि से सूर्यताप की मात्रा या सौर्य विकिरण की मात्रा जो है उसमें हमको भिन्नता देखने को मिल रही है। अब आइए हम देखते हैं उसके तीसरे कारक, सूर्य की किरणों के कोण के विषय में। सूर्य की किरणों का कोण, हमारी पूरी पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कहीं पर वो लंबवत पड़ रही, हम देख रहे हैं भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें लंबवत हैं, और जैसे जैसे हम उसके उत्तर और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो भूमध्य रेखा पर तो ये 90 डिग्री का अंश बना रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये अंश जो है या ये एंगल जो है वो घट कर लगभग 44 और 23 अंश तक का कोण जो है वो बनाती है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज़ पर हम 90 डिग्री का फोकस करते हैं तो दो कारणों से, या सूर्य की जो ताप की मात्रा है भूमध्य रेखा के आसपास या कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हमें इसलिए अधिक मिल रही है क्योंकि जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का जो प्रकाश है उसके कम क्षेत्रफल को उसको गर्म करना पड़ रहा है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जा रही हैं तो तिरछे पड़ने के कारण यहाँ पर उसके अधिक क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ रहा है। ठीक इसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है जहाँ पर लंबवत पड़ रहा है तो उसके कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ रहा है, क्षेत्रफल कम होने के कारण इतने ही क्षेत्रफल में सूर्य का जो प्रकाश है उसे अधिक मात्रा में मिल रहा है। और जैसे ही जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, मतलब हम भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये पूरा बड़ा एरिया जो है उसे कवर करना पड़ रहा है। तो दो चीज़ें हुई, एक तो क्षेत्रफल अधिक हो गया, अधिक क्षेत्रफल उसे गर्म करना पड़ रहा है, तो
उतने ही प्रकाश की जो मात्रा है वो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई, जिसके कारण इसे ताप की मात्रा कम मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर वायुमंडल की मोटाई कम मोटाई को सूर्य के प्रकाश को पार करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं वहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई को इसे पार करना पड़ेगा। और उस इस यात्रा के दौरान जो वायुमंडल में धूल कण, जल वाष्प, बादल हैं, ये सब जो हैं वो सूर्य की किरणों को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित या प्रकीर्णित या परावर्तित कर देंगे, जिससे वहाँ पर सूर्य का ताप या सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में मिलेगा। अब हम इसके चौथे तत्व के बारे में देखते हैं, जो है वो सौर कलंक है। सौर कलंक सूर्य में स्थित कुछ काले धब्बे हैं। ये सूर्य के ठंडे क्षेत्र होते हैं, क्योंकि बीच बीच में सूर्य में कुछ डिस्टरबेंस, उसकी सतह पर कुछ डिस्टरबेंस आने के कारण वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जब उस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो गई तो वो क्षेत्र ठंडा हो गया, इसीलिए सौर कलंक एक धब्बे के समान काले धब्बे होते हैं सूर्य की सतह पर, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं। और जब इन धब्बों की संख्या बढ़ जाती है तो हमें मिलने वाला ताप या प्रकाश जो है वो अधिक होता है, और जब इन कलंकों की संख्या कम हो जाती है तो हमें सूर्य का प्रकाश या ताप जो है वो कम मात्रा में मिलता है। अब हम इसके अन्य महत्वपूर्ण कारक देखते हैं, वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता भी जो है वो सूर्यातप को या सौर विकिरण को प्रभावित करती है। हमने ये महसूस किया होगा कि जब आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, बदली है, सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें तो ठंड अधिक लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस कारण से होता है, हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश वायुमंडल तक आ रहा है, तो इसमें बहुत सारी गैसें, जल वाष्प और धूल के कण रास्ते में मिलते हैं। तो जो बादल है और धूल कण सूर्य से मिलने वाले प्रकाश को स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, और जल वाष्प जो है वो अपनी कुछ मात्रा अवशोषित करती है, और बादल जो है बादलों से सूर्यातप की कुछ मात्रा जो है वो परावर्तित कर दी जाती है। तो वायुमंडल जब उसकी पारदर्शिता कम होती है, मतलब आकाश में जब मेघ छाए हुए होंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हम तक उतनी अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब वायुमंडल साफ रहेगा, मतलब आकाश मेघ रहित होंगे, तो बिना किसी रोक टोक के सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है। अब हम देखते हैं स्थल विन्यास। स्थल विन्यास मतलब हमारी पृथ्वी में बहुत सारी अलग अलग स्थलाकृति देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ मरुस्थल हैं, कहीं पर पर्वत की चोटियां हैं जहां बर्फ जमी हुई हैं, कहीं पर घास भूमि है, कहीं बड़े बड़े वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। तो इन सब के सूर्य के प्रकाश को सोखने की क्षमता या परावर्तित करने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हम यदि उपमरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएं, जैसे सहारा हो गया, हमारे भारत का थार मरुस्थल हो गया, तो यहाँ पर हमको सूर्यातप की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसी को यदि हम उच्च अक्षांशों में या पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर चले जाएं, जहां पर बर्फ जमी रहती है, तो ये बर्फ जो है उसकी प्रवृत्ति होती है कि जो सूर्य का प्रकाश इन तक पहुंचता है उसको वो पूरी तरह से बर्फ की चिकनी सतह रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसी तरह हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी घास भूमियाँ हैं या बड़े वनस्पति वाले क्षेत्र हैं, सघन वन भूमि है, तो जहाँ पर घना वनस्पति आवरण होगा, तो वनस्पति आवरण हमको पता है सूर्य का प्रकाश आएगा, तो ये तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घना वनस्पति आवरण का जहाँ पर भी क्षेत्र होगा वहाँ पर सूर्य के प्रकाश को अधिक मात्रा में सोखा जाएगा, और जो वनस्पति विहीन क्षेत्र होंगे वहाँ पर वो मात्रा जो है वो आधी परावर्तित कर दी जाती है। तो हम देखते हैं
वहीं हम देखेंगे जैसे जल क्षेत्र है या कोई भी स्थलीय भाग है, तो दोनों में ही जलीय भाग में सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। इसीलिए जल की प्रवृत्ति होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। वहीं स्थलीय भाग में उसकी ऊपरी सतह तक बस सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इसलिए वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हमने देखा कि स्थल विन्यास भी जो है वो सूर्य के ताप को प्रभावित करता है या सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि सूर्यातप या सौरिक विकिरण जैसे ही पृथ्वी पर वायुमंडल को पार करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, उससे पहले वायुमंडल में जितने भी जो तत्व मौजूद हैं, चाहे वो जलवाष्प हो, बादल हो, धूल कण हो, ये सब उसके साथ कुछ व्यवहार करते हैं, कुछ यांत्रिकी करते हैं। तो ये किस तरह का व्यवहार उसके साथ करते हैं सूर्यातप के साथ, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ही सूर्यातप वायुमंडल की सतह पर आता है तो हम देखते हैं लगभग 8 से 10 किलोमीटर और लगभग 3 से 6 किलोमीटर तक भी बादलों का निर्माण होता है। और ये बादल जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है तो ये उसको वापस से परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो व्यवहार हुआ वायुमंडल के तत्व का सूर्यातप के साथ, इसे हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन कह देते हैं। उसने अपने अंदर उसे सोखा नहीं, तुरंत ही परावर्तित कर दिया, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। अब जैसे ही सूर्यातप आया और थोड़ा ऊपर हुआ, बादल देखे हमने, बादल में कुछ हिमकण के मौजूद थे, जिस हिमकण वो मौजूद थे जिसके कारण सूर्य प्रकाश का रिफ्लेक्शन परावर्तन हुआ। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो जलवाष्प हमको मिलता है। जलवाष्प जब वो निचली सतह पर होता है तो वाष्प के रूप में रहता है, वायु की जो नमी है, वायु में उपस्थित जो नमी की मात्रा है वो, और थोड़ा ऊपर जाता है तो उसमें संघनन की प्रक्रिया से वो बादलों का निर्माण करता है। लेकिन जब वो तरल रूप में जलवाष्प के रूप में है तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही जलवाष्प पे टकराता है तो जलवाष्प तो ठंडा होता है और सूर्य का प्रकाश गर्म है, तो जब इससे टकराहट होती है तो ये ठंडा चीज़ जो है वो सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो ये हुई अवशोषण के व्यवहार की क्रिया। अब इसके बाद जैसे ही सूर्यातप और नीचे आया तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे हम देख रहे हैं हवा में सूक्ष्म कण जो हैं वो मौजूद हैं धूल कण के। तो ये सारे धूल कण से जैसे ही आता हुआ सूर्य का प्रकाश टकराता है तो उसमें बिखराव होता है। बिखराव मतलब ये अपने में जैसे हम देखते हैं दिन के समय भी जो इस बिखराव की क्रिया से ही धूल कण से जैसे ही सूर्यातप टकराता है तो बिखराव की क्रिया से हमको आसमान का रंग भी नज़र आता है। ये इसी प्रक्रिया के कारण होता है जिसे हम स्कैटरिंग या बिखराव कहते हैं। तो ये तीसरा व्यवहार हो गया वायुमंडल के तत्व का सूर्य के प्रकाश के साथ। अब जैसे ही इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के अलावा भी हमको वायुमंडल में हम देख रहे हैं बड़े बड़े धूल के कण जो है वो उपस्थित हमको नज़र आ रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश जब इनसे टकराता है तो डिफ्यूज़न होता है, जिसे हम विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। डिफ्यूज़न की प्रक्रिया होती है, ये क्या होता है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जब सूर्योदय होता है उसके पहले या जब सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद भी हमको प्रकाश नज़र आता है अपने आसपास, तो वो किसके कारण होता है, इसी विसरित दिवा प्रकाश या हम जिसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड डे लाइट। हाँ, इसके अलावा हम इसे और भी समझ सकते हैं, दिन का समय है दोपहर का और हम कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें, कमरे में कोई लाइट ना जलाएं, अंधेरा हो, तब भी हमें कमरे में उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। तो वो किसके कारण संभव हो रही हैं, इसी
डिफ्यूज्ड डे लाइट के कारण या विसरित दिवा प्रकाश के कारण। तो ये हो गई कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी तत्व हैं वो आपके सूर्य के प्रकाश के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने चार चीज़ें इसमें देखी। नंबर वन हमने देखा कि परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। और नंबर थ्री में बिखराव देखा हमने, स्कैटरिंग। और नंबर फोर पर हमने देखा विसरित दिवा प्रकाश, या जिसे हम डिफ्यूज्ड डे लाइट भी कहते हैं। अब ये तो हो गई वायुमंडल के व्यवहार की बात। अब हम आते हैं कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो वो गर्म कैसे होता है। मतलब वायुमंडल सीधे सूर्य के प्रकाश से गर्म नहीं होता है। तो हम इसमें देखते हैं अब कि वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया। चार तरह से वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। नंबर वन है विकिरण, रेडिएशन कहते हैं हम इसे। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हम जान रहे हैं कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर आता है। अब जैसे ही ये लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर आ गया तो क्या होता है, धरातल की जो सतह है, ये जो सरफेस है, वो गर्म हो रही है सूर्य के प्रकाश से। धरातल की सतह गर्म हो गई क्योंकि पृथ्वी का धरातल खुद सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के द्वारा गर्म होता है। और जब धरातल गर्म हो जाता है तो उसके बाद वापस उसमें रेडिएशन होता है दीर्घ तरंगों के माध्यम से, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका ताप सूर्य जितना बहुत अधिक नहीं है। जो पदार्थ जितना अधिक गर्म होता है उससे निकलने वाला रेडिएशन शॉर्ट वेव्स या लघु तरंगों के रूप में होता है, और कम गर्म चीज़ों से लॉन्ग वेव्स या दीर्घ तरंगे निकलती हैं। तो पृथ्वी से भी दीर्घ तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है, हम देख रहे हैं। और इस विकिरण से वायुमंडल से लगी हुई ये जो निचली सतह है ये गर्म हो रही है। अब नंबर टू मेथड हम देखते हैं, कंडक्शन या संचालन। इस विधि को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने गैस में एक तवा रखा, गैस का फ्लेम ऑन है और उसके ऊपर अगर हम तवा रखेंगे तो संचालन वह विधि होती है जिसमें गर्मी या ऊष्मा जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होता है। कैसे होगा, क्योंकि पहली चीज़ गर्म है और दूसरी चीज़ ठंडी, तो वो तब तक उसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो होगी जब तक कि दोनों का ताप जो है एक समान ना हो जाए। हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमने गैस के ऊपर एक तवा चढ़ाया हुआ है। चूँकि गैस से ऊष्मा निकल रही है, आग जल रही है और आग जो है वो गर्म है, लेकिन पहले ये ऊपर रखा हुआ तवा जो है वो ठंडा है, तो इस गैस से ऊष्मा का ट्रांसफ़र जो है वो इस तवे में हो रहा है। तो तवे की ये जो ऊपरी सतह है ये गर्म हो रही है, और इसके बाद फिर जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र पूरे तवे में होता जाएगा, ऊष्मा का रूपांतरण जो है वो पूरा गर्म होता जाएगा धीरे धीरे, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि इससे लगा हैंडल भी गर्म हो जाएगा। और अगर आपने अचानक से इस हैंडल को छू दिया तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, संचालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का ट्रांसफ़र एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ही पदार्थों का तापमान जो है वो एक समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया को हम संचालन कहते हैं, और इसी को हम इस लोहे के रॉड से भी देख सकते हैं। इस लोहे की छड़ को हमने आग में रखा हुआ है, तो जहाँ पर हमने लोहे की छड़ को हाथ से पकड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि आग से लगा हुआ हिस्सा उसका पहले गर्म हो रहा है, उसके बाद ऊष्मा लगातार उसके ऊपरी हिस्से की तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही है, और धीरे धीरे पूरे लोहे की छड़ जो है वो गर्म हो जाएगी। तो ये हो गई संचालन की प्रक्रिया। अब ये संचालन की प्रक्रिया भी ठीक वैसे ही होती है कि वायुमंडल यदि हम अपने भूगोल में देखें तो हमारे धरातल की सतह पहले गर्म हो गई, और धरातल की सतह के गर्म होने के बाद
वायुमंडल की निचली सतह जो है वो गर्म होती है उससे लगी हुई, क्योंकि ऊपरी उसमें कोई मीडियम कार्य नहीं कर रहा है। वायुमंडल की सतह गर्म है इसलिए उससे लगा हुआ वायुमंडल का निचली परत जो है वो गर्म होगी, और उसके बाद फिर उससे लगी ऊपरी परत। तो ये हो गई कंडक्शन की बात। अब हम देखते हैं संवहन, हम जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में एक मीडियम कार्य करता है, मीडियम मतलब माध्यम होगा। इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम होता है, और इसमें जो है ऊर्ध्वाधर गति होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही हम देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आ गए हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ता है, लंबवत हो रहा है मतलब यहाँ पर सूर्य का ताप जो है वो हमको अधिक मात्रा में मिल रहा है, इसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो गया। और हमने ये भी पढ़ा है या हम ये जानते हैं कि जो चीज़ गर्म होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। तो इस क्षेत्र से लगी हुई जो वायु है वो भी यहाँ पर के एटमॉस्फेयर के प्रभाव से गर्म हो जाएगी, और वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, और हम देख रहे हैं कि हल्की होकर इसमें ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, लंबवत रूप से वो ऊपर की तरफ उठ रही है। और इसके ऊपर उठने से ये जो जिस स्थान से ये हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो नेचुरली है कि इस स्थान पर लो प्रेशर या कम दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और ये हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर अपने दाएं या बाएं मुड़ जाएगी। अब जब ये जिस तरफ हवा मुड़ेगी वो दूसरी हवा का स्थान ले लेगी। अब ऊपर उठी और इसके प्रभाव से, ऊपर उठने से तो उसका तापमान कम हो जाएगा, कि क्योंकि ऊपरी वायुमंडल का तापमान जो है हमने पढ़ा है कि लगभग 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जो है वो कम हो जाता है। तो ये हवा भी ठंडी होगी, और कहीं जाकर ठंडे होने से उसमें भारीपन आ गया, और ये हम देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ उतर रही है। अब नीचे उतरेगी, हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि हवा की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो हमने यहाँ देखा जहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उड़ गई हैं यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, और जहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ नीचे उतर रही हैं वहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। तो यहाँ से फिर से इस लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए हाई प्रेशर से ये हवाएं इधर मूव करेंगी, और यहाँ पर आके फिर से ये गर्म हो गई, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, और ये सर्कल जो है संवहन की प्रक्रिया जो है इसमें चलती रहेगी। इसका उदाहरण भी है, हमने पढ़ा है कि जितने भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं या भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं वहाँ पर डेली संवहनीय वर्षा होती है लगभग 2 से 4 बजे के आसपास। ये हो गई संवहन की बात। अब हम देखते हैं एडवेक्शन को। एडवेक्शन और कन्वेक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हवाओं में ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, लेकिन एडवेक्शन में हवाओं में क्षैतिजिक गति होगी। क्षैतिज मतलब हवाएं जो हैं वो लंबवत रूप से ऊपर नहीं बहेंगी, वो अपने दाएं या बाएं जाएंगी। इसको हम दैनिक मौसम में होने वाले परिवर्तन के रूप में, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि आप ये महसूस करते होंगे या हम अनुभव करते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, और हम शाम को अचानक देखते हैं कि कहीं से बहुत ठंडी हवा आ रही है जो हमें बहुत सुहानी लग रही है, ऐसा ही हम ठंड के मौसम में या शीत ऋतु में भी अनुभव कर सकते हैं कि आज का पूरा मौसम जो है वो तो ठंडा था, टेम्परेचर कम था, लेकिन अचानक से गर्मी महसूस हो रही है। तो वो इस एडवेक्शन की प्रक्रिया के ही कारण होता है। हवाओं में ऊर्ध्वाधर गति के साथ साथ क्षैतिज गति भी होती है, तो ये भी किसी स्थान विशेष में ये घटना हो रही है, क्योंकि धरातल से लगी हुई हवा जब क्षैतिजिक रूप से गति करती है और किसी स्थान का तापमान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, मतलब वहाँ पर उस
वायुमंडल या उस एटमॉस्फेयर से लगी हवा है वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और जब ये गर्म हवा उस स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करती है, चलती है, उसमें क्षैतिजिक गति होती है, तो वो अपने गर्म प्रभाव से उस स्थान का टेम्परेचर भी बढ़ा देगी। और अगर वो किसी ठंडे स्थान से मूव कर रही है, किसी गर्म स्थान की तरफ, अपेक्षाकृत गर्म स्थान की तरफ, तो वो अपने ठंडे प्रभाव से उस स्थान का टेम्परेचर जो है वो कम कर देगी। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हम अपने भारत देश में, खास करके उत्तरी भारत में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लू चलती है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्थानीय रूप से हवा में क्षैतिजिक गति होती है। तो लू जो है वो हमारे एडवेक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से ठंड के मौसम में हम शीतलहर भी एडवेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो हमने ये देखा कि वायुमंडल में, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया इन चार माध्यमों से होती है।